तो गाइस रिसीव हो चुका है, बस इतना सा पार्सल है। देखो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। एंड आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से कहाँ पर थे हम लोग, पिछले 10 दिन से 12 दिन से व्लॉग ही नहीं आया है और अब जाकर मैंने इस व्लॉग को शुरू किया है। व्लॉग नहीं आने का क्या रीजन था बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है इस व्लॉग में मैं धीरे धीरे बता दूंगा। अभी तो आया ही हो, अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने नहीं किया है, ताकि आपको जो डेली व्लॉग्स है मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक शुरू कर देना। फिलहाल जो है सुबह के कितने बजे, सुबह तो हुआ ही नहीं, अभी दोपहर हो चुके हैं, 1 बजने ही वाला है। लेट व्लॉग शुरू किया है। देखो हमारे साथ कौन है, ये इशू है, इसको आप जानते हो कभी कभार, जो लोग पहले के व्यूअर है इसको देखे होंगे कभी ना कभी। तो आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। आज का व्लॉग, आज के व्लॉग में मुझे नहीं पता है क्या दिखाएंगे, आगे का प्लान है हमारे पास पूरा दिन का, तो देखते हैं क्या होता है। बाहर बहुत कड़कती धूप है फिलहाल। भाई मैं स्टूडियो में हूँ, हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट था जो कि मेन चैनल पे गया है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख लेना। पता नहीं क्या करूँ यार, मेन चैनल के लिए हम लोग जान की बाजी लगा रहे हैं आजकल, और आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। देखते हैं क्या होता है, सब्सक्राइब कर लो एंड बने रहो व्लॉग में, और आगे बताता हूँ कि क्या रीजन था व्लॉग नहीं आने का। सबसे पहले तो स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और मैं आता हूँ दूसरे रूम में। देखो जो रीजन है इतने दिन व्लॉग नहीं आने का, पूरे 10 दिन तक हमारा कोई भी व्लॉग नहीं आया है, रीजन भाई ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये छत पे पड़ा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि वो क्या है। मैं मुझसे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कोई भी रिवील नहीं करना चाहता, एक्साइटमेंट आपकी कम नहीं करना चाहता। और वो प्रोजेक्ट बनाने में इस बार सबसे ज्यादा टाइम लगा है, लगभग 7 दिन से भी ज्यादा का समय लगा है। वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, बीच में उसका एक ऐसा सामान कम पड़ गया जिसके लिए हम गए भी बहुत दूर ट्रेन से, और वहाँ पे मिला भी नहीं, पूरा दिन भी वेस्ट हुआ और मिला भी नहीं। लास्ट में हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा उसे। तो अब जैसे ही वो आ जाता है, हमारा प्रोजेक्ट बनके रेडी है, बस उसे लगाना है, वीडियो को थोड़ा सा और बनाना है, और आपको वीडियो जल्द मिलेगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना वो उसी प्रोजेक्ट की आएगी जो आप लोग मांग रहे हो बहुत टाइम से। तो बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा पैसा लगा है उसके पीछे, इतना ज्यादा पैसा लगा है कि आवाज से आपको पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा लगा है। उस वीडियो से हमारी कमाई भी नहीं, कमाई नहीं होगी उतनी, मुझे पता है। जो हमारा मेन चैनल है अभी स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, आपको पता है उसका, चाहे कितना भी अच्छा वीडियो डालो, हाल ही में कितनी अच्छी अच्छी वीडियो गई है, लेकिन 10-12 हज़ार से कोई वीडियो ऊपर जाती ही नहीं है। तो इस बार हमने आपके काम की चीज भी लाई है, आपके पसंद की चीज भी लाने वाले हैं, कुछ तो उम्मीद है इससे। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं चाहूंगा कि जब भी ये वीडियो मैं डालूं, आप में से हर एक इंसान इसे 5-6-10 लोगों तक शेयर करो अपने फ्रेंड्स। वीडियो में अगर लाइक से आ गए ना तब थोड़ा फायदा होगा। देखो मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब कम से कम मुझे 1 लाख व्यू उस वीडियो पे मिले जो मैं डालने वाला हूँ या फिर डाल चुका हूँ, कुछ भी नहीं पता है, ठीक। तो उम्मीदें तो बहुत रखते हैं, बाकी अगर नहीं भी मिला तो कई काम तो हमें करना ही है। हमारे पास ये एक्सक्यूज ही नहीं कि हम काम छोड़ देंगे, काम तो करना ही है, अपना काम है करते रहेंगे। तो चलो फिर आज के व्लॉग में कंटिन्यू बने रहो, देखते हैं आज का दिन कैसा होता है और आपको व्लॉग में क्या क्या दिखा पाते हैं। हाँ तो गाइस अभी 2:30 बज रहे हैं, और ये देखो, और यहाँ पर देखो टाइम पास चल रहा है टेढ़े मेढ़े के साथ, क्योंकि गर्मियों का टाइम धीरे धीरे जैसे आ रहा है लोग आलसी होते जा रहे हैं, और साथ ही हम भी, क्योंकि यार ये टाइम ही ऐसा होता है, आप लोग बताना, जो ये टाइम पे ज़्यादा एक्टिव फील होता है, और गर्मियों के टाइम पे दोपहर के टाइम पे खाना खाने के बाद ना आलस आने लग जाता है। तो फिलहाल तो टाइम पास चल रहा है, बाकी देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, और इस वक्त मैं हूँ साइकिल पे। गाइज अभी हमारा पार्सल आ चुका है जो हमने अपने बिग प्रोजेक्ट के लिए मंगाया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो आज आ चुका है, तो आज फाइनली वो आ गया। अब हम प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करेंगे और मेन चैनल पे अपलोड भी करना है। चलो देखते हैं आया है कैसा आया है, और डिलीवरी मैन वाले पे जो भैया है वो न्यू है तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा, नहीं तो घर तक, घर पता ही नहीं, तो घर तक ही आ जाता। इस वक्त भाई साहब धूप बहुत अच्छी है, 9:30 बजे। तो गाइस रिसीव हो चुका है, बस इतना सा पार्सल है। देखो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये छोटा सा पार्सल है, इसमें क्या है वो तो अब आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, रिवील अभी नहीं कर सकते है, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं जाके घर में और फिर आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड आज है 29th February। मैंने व्लॉग शुरू किया था 27th February को, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं। देखो कल मैं जो था वो पार्सल लेकर आया, एंड उसके बाद भाई साहब मैं लग गया प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पिछले 10 दिनों से बना रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, मैं पूरा दिन उसी में लगा रहा, और उसके बाद मैंने एक वीडियो टेक चैनल की एडिट की और डाल दी। तो आज आपको बहुत कुछ दिखाना है, आज मैं आपको प्रोजेक्ट भी दिखाता हूँ। वो प्रोजेक्ट अब तक आपको मिले गया होगा, मुझे अभी रियलाइज हुआ, क्योंकि आज मैं उसे अपलोड करूंगा इस व्लॉग के बाद, ठीक है, मतलब इस व्लॉग के पहले अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ किस तरह का बना है, और पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत ज्यादा मेहनत लगी, चलो स्टूडियो में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको स्टूडियो में लेकर आता हूँ, एंड ऊपर कर दूं मोबाइल, यहाँ पे देखो क्या रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने इसको देख ही लिया है मेन चैनल पे। गाइज इसको बनाने में यार बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है हमारी, एंड यार मैं क्या ही बताऊँ, जितना बताऊंगा उतना कम है, ठीक है, बाकी आपको मेन चैनल पे पता चले गया है। इसको आपको चेक करके भी दिखाऊंगा, वैसे मेन चैनल पे भी दिखाया था। एक और चीज आपको दिखाता
दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, इसे हम लेकर आए थे साहेबगंज से, जहाँ पर हम नॉर्मली जाते हैं, मेरा कॉलेज वगैरह भी वही है, ठीक है। पूरा एक दिन बर्बाद करके आए और हमने सोचा यार मिला नहीं हमारे काम का, तो हमने यही वाला ले लिया। अब बताओ अगर मैं ये लगा देता इसके ऊपर तो बेकार लगता, और ये कितना ज्यादा मोटा है। देखो जो मैंने नीचे लगाया हुआ है ना, मैं वही उठा के ले आया था, इसका लगाने में दिक्कत होती। तो फिर पापा का सजेशन था कि यार ये ना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि ये बहुत ही मेहनत से हमने बनाया, तो उन्होंने कहा था परफेक्ट होना चाहिए, तो हमने भी सोचा हाँ परफेक्ट तो होना चाहिए। उसके बाद हमने अमेजोन से ना ये ऑर्डर कर दिया, देखो ये हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, 1 मीटर से ज्यादा ही होगा। तो ये हमने इसके ऊपर लगाया और इसका फिनिश जो था हमें सेटिस्फेक्शन अब जाकर दे रहा है। अब हमारे पास दो दो डीजे हो गए हैं, एक ये हो गया है, ये भी बहुत ही अच्छा बजता है, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। और ये तो भाई अभी बिल्कुल नवा नवा है। मैं सोच रहा हूँ दोनों में से किसी एक को बेचना पड़ेगा, मतलब इतने डीजे का हम करेंगे भी क्या। प्राइस कितना, 4000 हो गया। हाँ इसका प्राइस अगर मैंने 4000 में नहीं बेचा, अगर किसी ने नहीं खरीदा ना, वैसे नहीं खरीदा मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर कोई इसे खरीदना चाहता है वही 4000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सामान है ना वही 3000 से ज्यादा, 3500 से ज्यादा का लगा हुआ। और ऐसे लुक में मार्केट में आपको मिलेगा भी नहीं, ऐसे लुक में मार्केट में मिलना मुश्किल है, एंड ऐसी आवाज मिलना मुश्किल है। मार्केट में लोगे तो बस ये 2 स्पीकर लगे रहेंगे और एक सबवूफर लगा रहेगा, ये दोनों नहीं लगे रहेंगे। तो बाकी ये स्पीकर जो अकेला ये वाला 800 का, तो बाकी आप समझ ही जाओ कितनी अच्छी क्वालिटी की इसकी आवाज होगी। बाकी अभी इसको मार्केट जाना है, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम है, तो इसको लेमिनेशन वगैरह करवाने जाना है एडमिट कार्ड में, और आगे के ब्लॉग आपको मिलेंगे इसके एग्जाम दिलवाने जाने वाला हूँ कल, ठीक है। मार्केट आए हुए थे और इसका सारा काम हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक च्युइंगम ले ली है, देखो बड़ी वाली, आते हुए निकलते हैं घर। इस वक्त शाम के 5 बजने ही वाले हैं और मैंने सोचा कि स्टूडियो में आकर मैं थोड़ा सा व्लॉग कंटिन्यू कर ही लेता हूँ, और इसको बजाकर भी तो दिखाना है यार। इसको बनाने के चक्कर में ना मैंने क्या क्या किया मुझे खुद को ही नहीं समझ आया। पहले तो मैं वो ले आया फालतू में, ये जो हमने नीचे बिछाने वाला है ना, और अब ये पड़ा रहेगा, इसका कभी ना कभी यूज करेंगे, क्योंकि डीजे में तो काम आ नहीं पाया। और 350 रुपए का वो भी लाया था, और पूरा दिन वहां पे इधर उधर घूमना पड़ा वो अलग ही, ठीक है। उसके बाद ये आधा का आधा बच गया मेरे पास फालतू का, ठीक है, तो ये भी पड़ा हुआ है। और इसके कारण स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ग्राइंडिंग मशीन भी खरीदी, और फर्स्ट टाइम ग्राइंडिंग मशीन को भी मैंने चलाया। भाई स्टार्टिंग में डर गया था और मुझे यहाँ पे लग भी गया, ठीक, ग्राइंडिंग मशीन से मैं तो बहुत डर गया था, और सबने घर में रोक भी दिया कि इस मशीन को तुम मत चलाओ, तुमसे ना होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, डीजे तो बनाना ही बनाना है। और फिर मैंने सारे पीसेस को कट किया, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट बनाया ग्राइंडिंग मशीन से। खैर अब आदत हो गई, आपको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या ही किया है, और इतना ज्यादा इधर उधर मैंने फालतू में ही खर्च कर दिया। मतलब ग्राइंडिंग मशीन तुरंत ले आया जाकर, ये लेकर आ गया, वो लेकर आ गया। तो बाकी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, इस प्रोजेक्ट को मैंने आज ही अपलोड किया है, और अभी इसको 3000 लोग देखने वाले हैं, बहुत तेजी से लोग देख रहे हैं। और काफी टाइम बाद मुझे इतना अच्छा लगा वीडियो देख के कि चल रही है। चलो जल्दी इसको बजा कर दिखाता हूँ, फिर व्लॉग को एंड करेंगे। तो गाइस अब मैं इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने इसे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है, ये ऑन हो चुका है, और मेन चैनल पे आपने अच्छे से देखा ही होगा। फिलहाल मैं आपको कॉपीराइट वाले गाने बजाकर दिखा सकता हूँ, क्योंकि भाई ये तो व्लॉग चैनल है, कमाई हो ना हो कॉपीराइट आ भी जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, भी ट्राई करूंगा कि कॉपीराइट ना आए, ठीक है। तो मुझसे अलग एक गाना लगाया है और ठीक ठाक वॉल्यूम में बजाते हैं। बहुत ज्यादा तेज है, और अभी शाम हो गई तो ज्यादा नहीं बजाएंगे, क्योंकि पड़ोसी परेशान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तेज आवाज है इसकी, और आपको मोबाइल में क्या ही पता चलेगा, है ना। लेकिन बेस सुनो, बेस की पावर सुनो, उससे आपको महसूस होगा कि ये कितना तेज बजता है। बाकी चलो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जिसको मैंने टेस्ट करके दिखा दिया, ठीक है। वीडियो कैसे लगी, व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बता देना, जो लोग लास्ट तक देख रहे हो वो भी कमेंट कर देना, एंड नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहना, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है इसके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसका ये व्लॉग जल्दी आ जाएगा। तो चलो फिर आज की वीडियो में इतने, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।